अस्सलाम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है 7th क्लास की मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज 6.1 है यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप इनको काइंडली अपलोड करके हमें समझा दें। तो मैं इनको जो है वो अपलोड कर दिया है, फ़िलहाल आप इनको देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चे उसने आपकी एक्सरसाइज के अंदर देखें वहाँ लिखा हुआ है कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करें। अब मैं आपको वही सॉल्व करके बताने लगी हूँ कि कैसे कॉन्टीन्यूड रेशियो बच्चे आप इसमें फाइंड करोगे। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मौजूद है कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 3:4 और बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 4:5। अब उन्होंने हमें दो वैल्यूज तो दे दी हैं, कहते हैं इनकी कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करो। अब हम वही तरीका यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हमने कैसे जो है इनकी कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करनी है। सिंपल सा मेथड है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बच्चे, कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास ए रेशो बी की वैल्यू उसने हमें दी 3:4। कहता है ए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो 3 के इक्वल है और जो बी है वो 4 के इक्वल है, ऐसा ही है। फिर कहता है बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 4:5, यानी हम कह सकते हैं कि जो बी है वो 4 के इक्वल है और जो सी है वो 5 के इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की होगी, जो बी है ए रेशो बी में वो इस बी से मैच कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है वो इस 4 से मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सेम है उनको एक दूसरे के नीचे, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ए रेशो बी को हम ऊपर लिखेंगे और जो बी के साथ ये वाली बी की वैल्यू मैच हो रही थी, हमने बी रेशो सी को, हमने बी को बी के नीचे लिख दिया, रेशो आगे हमने सी लगा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जैसे आपने इनको लिखा वैसे ही आपने इनकी वैल्यूज को लिख देना। ए रेशो बी की क्या वैल्यू थी, 3:4 थी ना, तो आपने ऊपर 3:4 लिख दिया। बी रेशो सी की क्या थी, 4:5, तो आपने बी के नीचे बी का 4 लिख दिया, 4:5 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है। आगे हमने क्या करना है बच्चे, हमने आगे करना यह है कि 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखना है, यानी 3 times 4 is 12, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से बच्चे 16 आता है, तो हमने उसको इस यहाँ पे लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 times 5 is 20 आता है, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। मीन्स टू से आपने जिसको मल्टीप्लाई करना है उसका आंसर साथ साथ नीचे लिख जाना है। अब आप एक और चीज़ यहाँ नोट कर रहे होंगे, ये तीनों नंबर जो हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हम इनको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12, 16, 20, इन तीनों को हमने यहाँ नीचे, मैंने यहाँ पे कलरफुल एरोज इसलिए लगाए ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर यहाँ लिखा है, 4 को 4 से करके यहाँ लिखा है और 4 को 5 से करके यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना ये इसको अच्छे से करना है, ये स्टेप आप लोगों का कुछ बच्चे जो है ना वो अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते होते हैं, वो उनको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है। देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे था 12, 16 और 20, तो सबसे पहले बच्चे आपने एक देखना है, 12 2 के टेबल में भी आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है और 20 भी 2 के टेबल में आता है। हमने इसको ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इन तीनों को 5 से डिवाइड कर दें, क्यों, 16 और 12 तो 5 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हम इसको 2 से करेंगे, ठीक है। 2 times 6 is 12, 2 times 8 is 16 और 2 times 10 is 20। उसके बाद 6, 8 और 10 यहाँ पर दिया गया, ये भी आगे से मजीद 2 के टेबल में आते हैं, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8 और 2 times 5 is 10। अब ये जो 3, 4 और 5 हमारे पास आ गया, ये मजीद अब 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। इसका बाकी जो बच्चे आपके क्वेश्चन थे सेम टू सेम ऐसे ही हैं, उनमें होगा क्या, उनमें यहाँ पे हो सकता है कि 1 और 2 लिखा हो, ठीक है, और इनकी जगह पे हो सकता है उन्होंने 4 और 5 या इस तरह करके कुछ भी लिखा हो। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आपने कहना कि मैम यहाँ पे तो वैल्यूज़ अलग अलग है तो हम क्या करें, तो बच्चे अगर वैल्यूज़ अलग अलग हुई तो तब भी आपने इनको ऐसे ही करना है, 1:2 को ऊपर लिखोगे और जो दूसरी की वैल्यू होगी यानी 4:5 है तो उसको आपने ऐसे ही लिखना है इसके नीचे, और उसके बाद आपको उसने मजीद जो है वो सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, जैसे 1 को 4 से किया 4 आएगा, 2 को 4 से करोगे तो 8 आएगा, 2 को 5 से करोगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। सेम यही मेथड है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, वहाँ पर उन्होंने ना ये रकमें कुछ चेंज कर दी हुई हैं बीच में आके, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है।
बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर टू, उमर एंड फाहर गॉट प्रॉफिट इन बिजनेस ऑफ 3:4 एंड फाहर एंड हमजा गॉट प्रॉफिट इन 4:9। ठीक है, कहते हैं हमारे पास उसने फिर से 2 रेशो दे दिए, कहते हैं इनके भी कंटिन्यूड रेशो फाइंड करो। तो आप इसके भी बच्चे वही सेम मेथड, आपने क्या करना है 3:4 को ऊपर लिखोगे, 4:9 को नीचे लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका नीचे 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहली रेशो वाली वैल्यू क्या है, 3:1 को ऊपर लिखना है, 3:5 को नीचे लिखोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें है 2:3 और 3:1, उसमें पहली वैल्यू 2:3 आ गई है और दूसरी है हमारे पास 3:1, तो इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब साथ में एक वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि उमर और फ़ाख़र वाला भी आपने कैसे सॉल्व करना है, और सेम मेथड है बाकी सबका भी। ठीक है, मैं उसको भी एक दफ़ा क्लैरिफाई आपके लिए कर देती हूँ। आगे था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2, और उसके अंदर आपके पास वैल्यू थी 3:4 थी और दूसरी हमारे पास थी 4:9। बिल्कुल सेम वही मेथड है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 से क्या 16, और 4 को टाइम 9 इज़ 36। अब आपको फिर से यही मैंने आपको दोबारा कहूँगी कि ये तीनों वैल्यूज़ बड़ी हैं, ये मज़ीद आगे से कट हो सकती हैं। 16 और 36 ये तीनों की तीनों 2 पर डिवाइड हो रही हैं, जैसे हमने पीछे डिवाइड किया था 2 से, बिल्कुल वैसे ही हम इन्हें भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 12 भी 2 पर जाएगा, 16 भी 2 के टेबल में आता है, बच्चे 36 भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, या अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो, वो सारे के सारे जो है वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैथ का रूल आपने पढ़ा हुआ है, इसके एंड पे 2 है, इसके एंड पे 6 है और इसके एंड पे भी 6 है, तो क्या 2 और 6 2 के एंड टेबल पे आते हैं ना, यानी 2 के टेबल में डिविजिबल है। इसका मतलब तीनों हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकती हैं। हमने इनको 2 से किया, 2 times 6 is 12, 2 times 8 is 16 और 2 times 18 is 36। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर से देखना 6, 8 और 18, 6 है यहाँ, 8 है यहाँ भी, एंड पे 8 है, 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 6, 8 और 18 जो है ये तीनों के तीनों 2 के टेबल में फिर से आते हैं, हम इनको फिर से 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8, 2 times 9 is 18। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे ये 3 जो है और ये जो 9 है, अब 3 के टेबल में 9 आता है और 3 1 पे भी आता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे है हमारे पास 4। अब हम इनको डिवाइड आगे से 3 से नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास 12 होता तब हम इसको 3 से कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, और ये भी 3 पे होता है और ये भी 3 पे हमारे पास डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा आंसर नहीं आया, तो हमारे पास यही हमारे पास जो वैल्यू है 3:4:9 यही हमारे पास आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी जो चीज़ समझ ना आई हो मुझे कमेंट्स में आप लोग दोबारा बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।